हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ओम बाना मार्बल की इस नई और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में जो आप मंदिर देखने वाले हो, ये मकराना प्योर वाइट के अंदर मंदिर है, जिसमें अगर अपन साइज की बात करें तो इसकी जो लेंथ है 5 फीट इसकी लेंथ है, और हाइट की अगर अपन बात करें तो 6.5 फीट इसकी हाइट है, और डेप्थ जहाँ पे भगवान को प्रस्थान किया जाएगा, जहाँ पे उन्हें बैठाया जाएगा, वो 2 फीट के अंदर है, और कंप्लीट 3 स्टेयर्स के पोर्शन में उनको डिवाइड किया गया है, 3 स्टेप्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। और कंप्लीट जो है ये हाथ से बनाया गया, कोई मशीन वर्क नहीं है। कंप्लीट जो वर्क है इसे कार्विंग बोला जाता है, जिसमें लेबर मिस्त्री बैठ के इसको खुदाई करके सारा काम किया गया है। ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं चिपकाया हुआ, अगर यही आप इसके ऊपर चिपका देते हैं तो वो उतर जाएगा, बट ये कभी भी उतरेगा नहीं। जैसा कि आप कई बड़े बड़े मंदिर में देखते हो कार्विंग किया हुआ है, खुदाई करके काम किया जाता है, वैसा ही ये काम है। ऊपर से आप देख सकते हो, ऊपर वाली जो है कंप्लीट स्ट्रेट लाइनिंग की पट्टी में फ्लोर दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। और जब ये एक्चुअल में जब कस्टमर के घर जाएगा और जब इसमें भगवान प्रस्थान करेंगे तो इसका नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और इसी में आप देख सकते हो नीचे जो काम किया गया है, नीचे एलिफेंट लगाया गया है, हाथी लगाया गया है पिलर के नीचे सपोर्ट के लिए। जो भी आप देख सकते हो कितना अच्छा वाइटनेस के अंदर है और कितना अच्छा काम किया गया है। तो हम जो भी काम करते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल प्योरिटी के साथ करते हैं। अगर आप अच्छा क्वालिटी का टेम्पल बनवाना चाहते हो तो बाना मार्बल से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। ये जो आप देख सकते हो, ये पिलर भी लगाया गया है, ये एलिफेंट की साइज़ और पिलर की साइज़ और ये जो भी साइज़ आप देख रहे हो, ये डिपेंड करती है आप किस साइज़ का मंदिर या किस बजट में आप मंदिर बनवा रहे हो। ये देखिए, इसी के पास एक ये जाली देख पा रहे हो, ये भी बहुत अच्छी मोटाई के अंदर रखी गई है, 30 mm के पत्थर के अंदर इसकी कार्विंग का काम किया गया है, जिससे इसकी मजबूती भी बनी रहेगी, जिससे इसकी लाइफ भी बनी रहेगी। ये देखिए, और आप इसमें देख सकते हो इतना बारीकी से काम किया गया है, कितनी जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी इसमें कम रहेगी। ये देखिए, साइड के अंदर बेल बनाई गई है, चलती हुई बेल बनाई गई है, और नीचे दोनों तरफ एलिफेंट लगाए गए हैं, वाइट एलिफेंट लगाए गए हैं, मकराना प्योर वाइट के अंदर ये मार्बल के अंदर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये कभी भी काला पीला नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। और पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा उसमें भी कार्विंग का वर्क किया गया है, जहाँ पे ओम शुभ बनाया गया है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा और कितना फिनिशिंग के साथ ये काम किया गया है। मैं उन लेबर्स को भी थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, और जब ये लगेगा कस्टमर के घर पे जाके भगवान प्रस्थान करेंगे तो अलग ही लुक आ जाएगा इस मंदिर का। दोनों तरफ जाली रखी गई है, आप देख सकते हो पीछे का जो पोर्शन रहता है उसे मैं चाहूँगा कि सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे आप इसी तरीके से बैकग्राउंड में रखिए, उसमें जाली मत बनवाइए, क्योंकि उससे मजबूती आपकी कमज़ोर हो जाएगी, मंदिर टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो ये बड़ी साइज़ का मंदिर मैंने आपको दिखाया है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग डिपेंड करती है कि आप क्या साइज़ का मंदिर बनवा रहे हो, उसके अंदर कितना कार्विंग का वर्क करवा रहे हो। सपोज करिए आपने इसमें अगर कम वर्क करवाया तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। इसी क्वालिटी इसी पैटर्न के अंदर मेरे पास एक छोटा मंदिर भी है, जो कि कस्टमर की डिमांड के एक और हमने बनवाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो उसी डिज़ाइन में उसी वर्क के अंदर छोटा मंदिर है। अब इसमें आप देखोगे ऊपर एक जो सेक्शन मैंने दिखाया था फूल वाला, वो इसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग कम आ जाती है। अगर आप वो लेते हो प्राइस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से छोटी चीज़ की डिपेंड करती है प्राइसिंग। तो ये वर्क आप देख पा रहे हो, ये मंदिर छोटा है, साइज़ की अगर अपन बात करें तो 3.5 फीट इसकी लेंथ है और 4 फीट के अप्रोक्स इसकी हाइट है। और इसमें जो आप देख सकते हो आगे की तरफ एक एक छोटे छोटे पॉइंट लगाए गए हैं, जो कि उस मंदिर के अंदर भी लगेंगे। ये मंदिर थोड़ा आगे होने की वजह से ज़्यादा वाइटनेस आपको दिख रहा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम वाइटनेस के हैं, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें भी आपको नीचे एलिफेंट देखने को मिलते हैं, आप जैसा चाहो वैसा आप काम करवा सकते हो। आप इसमें चाहो एलिफेंट लगवाना तो लगवा सकते हो, आप चाहो इनको नहीं लगवाना तो आप नहीं भी लगवा सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है, जैसा आप बोलोगे वैसा मंदिर को तैयार करवाया जाएगा। ये देखिए, और इसमें नीचे की तरफ आपको ओपनेबल सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने पूजा का सामान भी रख सकते हो, और जिससे आपको थोड़ा सुटेबिलिटी भी रहती है, सारा सामान एक जगह रहेगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ लेबर्स को, जो इतनी मेहनत करके इस तरह का वर्क करके कस्टमर्स के घर को और कस्टमर के घर के मंदिर को सुंदर बनाते हैं।
और पीछे का जो है वो भी प्योर व्हाइट के अंदर है, जिसमें भी आप देख सकते हो सेम कार्विंग का वर्क किया गया है जो मैंने अभी बड़े साइज के मंदिर में आपको दिखाया है। तो दोनों मंदिर में से आप चाहो जो ले सकते हो, ऑर्डर देना पड़ेगा, 15 से 20 दिन में आपको मंदिर कंप्लीट रेडी मिल जाएगा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हुए। अब आप देख सकते हो पीछे पूरा ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल व्हाइटनेस है, आप हाथ देख सकते हो। मैंने अपने जो हेल्पिंग पर्सन है उन्हें बोला है तो उन्होंने हाथ दिखाया है कि बिल्कुल क्लियर व्हाइटनेस का पत्थर है, कोई काला पत्थर नहीं है, व्हाइटनेस बढ़ाई हुई नहीं है। तो अगर आपको अच्छा मकराना व्हाइट में टेम्पल चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट करिए, और सिर्फ मकराना मार्बल में ही हम मंदिर बनवाते हैं, अगर दूसरे में चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट मत करिए। अगर आपको 15,000 के बीच लो मंदिर चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट मत करिए।